नहीं आएगी मोदी सरकार, बहुत परेशानी कर दी उसने, नोटबंदी कर दी, कोरोना लगा दिया, बाद भी मर गए, और महंगाई इतनी होगी कि दुकानदारी ना रही कतई भी, दुकानदारी ना है, है तो कहाँ से देंगे, है रोटी भी खानी मुश्किल हो रही है। लाठी रोजगार है कहाँ, सारे भूखे और क्या भूखे मर रहे, कहाँ करते हुए वो भी नहीं मिलता, महंगाई तो बहुत है, और क्या दाल बहुत महंगा है, तेल भी महंगा है, सब कुछ महंगा, सिलेंडर भी महंगा हो गया है। मोदी को क्या पता, मेरे को आएंगे हाथ जोड़ेंगे के बाद में नजर आते, जो काम जो केजरीवाल नहीं कह रहा ना शायद कोई नहीं कर सकता, ऐसा चोर नहीं है, जो जो गरीबों के लिए साथ है हम उसके साथ है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। देश में लोकसभा चुनाव है और लगातार अलग अलग सांसदीय क्षेत्रों में जाकर हम पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता किस पर भरोसा कर रही है। और इस वक्त हम उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से योगेंद्र चंदेलिया हैं और उदित राज हैं भारतीय कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार। और आपको बता दें कि पहले जो यहां के सांसद रहे हैं वो हंसराज हंस हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे, सर ये बताइए आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है, भाजपा के सांसद रहे हैं, काम वाम कुछ हुआ है? बहुत हुआ है यहाँ पे काम। क्या कुछ काम हुआ है भाजपा के राज में? बहुत काम हुआ है यहाँ पे। जैसे दो चार काम बताइए। जैसे बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ था, वो भ्रष्टाचार नहीं है अब आज के टाइम में, और काफी काम हो रहा है यहाँ पे आज के टाइम में, बहुत सुविधा मिल रही है हर चीज की। मतलब यहाँ पर आसपास महिलाएं सुरक्षित हैं सारी, कोई क्राइम वगैरह नहीं है? क्राइम वगैरह तो पहले से बहुत कम हो गया यहाँ पे। कम हो गया बहुत ज्यादा। मतलब हंसराज हंस ने काम किया है? बिल्कुल बिल्कुल जी, कह सकते हो आप मोदी जी के राज में। हाँ। बहुत बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पे। तो अगली बार जो है किसको सांसद चुनेंगे, उदित राज को या किसी और को? देखो हम तो भाजपा की तरफ से जाएंगे जी, बिल्कुल भाजपा को ही वोट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, भाजपा के हमारे मोदी जी हैं यहाँ पे हमारे लिए। हाँ। बिल्कुल जी। लगातार राहुल गांधी या कांग्रेस जो है वो जनता के लिए वादे कर रहे हैं तमाम तरीके की, जातीय जनगणना हो या महिलाओं को अग्रसर करने की बात हो, हर तरीके से, तो क्या कांग्रेस पर भरोसा जमा नहीं पाई है कांग्रेस अपना? बिल्कुल नहीं जमा पाई है जी, वो जो चीज़ मोदी कर सकते हैं वो चीज़ वो राहुल गांधी नहीं कर सकते। मोदी जी क्या कर सकते हैं जो कांग्रेस या राहुल गांधी नहीं कर सकते? जी बहुत देश ही बदल दिया उन्होंने मोदी जी ने तो पूरा। किस तरीके से बदल दिया, जरा सा बताइए। मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, आपको भी पता है देश। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है मोदी जी ने कैसा काम किया है, देश को किस तरीके से बदला है और किस ओर लेके गए हैं? नहीं, काफ़ी आगे लेके गए हैं मोदी जी, और काफ़ी काम करा रहे हैं हर चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ की एक्टिविटी करवा रहे हैं, हर चीज़ की सुविधा है इस टाइम। कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है सीमा सुरक्षा की, अगर बात करें तो चीन घुसा आ रहा है भारत में, और इस तरीके के लगातार आरोप लग रहे हैं और सीमा की सुरक्षाएँ नहीं कर पा रहे हैं मोदी जी। नहीं देखो वो भी कर रहे हैं कुछ, नहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर रहे होंगे, वो भी कुछ तो कर ही रहे होंगे वो भी अपने तरफ से जी। सारे जने लगे हुए अपने मोदी जी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ। तो हमने जानने इनसे पूछे और जानने की कोशिश की, इनका साफ कहना है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है। क्या लगता है सर आपको, क्या काम हुआ है आपके क्षेत्र में? सब चोर है, कोई किसी को नहीं सुनता। हाँ, कौन क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सब चोर? काम ढूंढने जाओ उनके किसी भी दफ्तर में चले जाओ, कोई सुनता ही नहीं है, कोई राशन दफ्तर चले जाओ कुछ नहीं है, राशन कार्ड नहीं बन रहा। हाँ, जब राशन कार्ड के दफ्तर पर जाते हैं ना, कुछ नहीं हो रहा, अभी नहीं बनना है, ऑनलाइन करो, किसी गरीब का पैसा है ना है, वो किराए के मकान में मंजूर कर रहा, बताओ है ही नहीं, कोई भी नहीं बनना, कुछ नहीं बन रहा। मैंने बोल दिया मैं बनवाऊंगा तुम्हारे, वो लोग कहते हैं नहीं बन रहे, मैंने कहा मैं तुम्हारे 10 बनवाऊंगा 10, पैसा खर्च होता, पैसा सब पैसा लेने वाले सब। मोदी जी कह रहे 5 किलो राशन 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं, राशन कार्ड तो बनाया नहीं पता हमारा। हाँ। राशन कार्ड तो बनाया नहीं हमारा। हाँ। सब झूठ है, सब झूठ बोलते हैं जितने भी नेता हैं, हम किसी झूठ नेता के नहीं मानते, हम काम करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा हमारे को। हाँ। हम काम नहीं करेंगे कोई 1 रुपया देने नहीं आएगा हमारे को। हाँ। सब झूठ है जितने भी नेता, सब झूठ है, कुछ नहीं है कोई, सब झूठ। महंगाई के बारे में क्या बोल रहे हैं? अरे महंगाई क्या, महंगाई तो चलती रहे, महंगाई कौन करा, महंगाई है क्या की महंगाई बताओ? महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे, सिलेंडर भरवा पा रही है, महंगाई है क्या? सिलेंडर तब तो सस्ता हो रहा है, सस्ता हो रहा है अब सिलेंडर। कितने रुपए मिल रहा है? पहले तो 1100 रुपया का लिया, 1103 रुपया का, 1203 रुपया का लिया, अब तो 803 रुपया का आ रहा है। कांग्रेस कह रही है हम इससे भी ज्यादा सस्ता देते, 500 550 में देते। हाँ पहले आ गया, पहले से ज्यादा बढ़ गई है महंगाई। इधर कम से कम हो गए होंगे 3-4 साल हो गए होंगे। अच्छा ये बताइए सरकार कौन सी अच्छी है, कांग्रेस की भाजपा? भैया इतनी जानकारी नहीं है, जब आपसे हाथ जोड़े इतनी जानकारी नहीं। राहुल और मोदी को तो वोट देने, किसी को भी देने वोट। राहुल गांधी और मोदी जी को जानती हैं? मोदी को तो हम तो जानते हैं। राहुल गांधी को है? हम राहुल गांधी को जानते हैं, मोदी को जानते हैं। कौन अच्छे जानते हैं? अच्छे कौन है भैया? मुझे इतनी जानकारी ना, अच्छे बुरे की तो मैं बताऊँ।
सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस क्षेत्र में जो है किसने काम किया है, और अब की बार जो है योगेंद्र चंदलिया जो बीजेपी से और कांग्रेस से जो है उदित राज खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे किसको वोट जाएगा? केजरीवाल ने काम सही करा है। केजरीवाल ने काम किया? हाँ जी, मंगोलीगुड़ी में वही केजरीवाल सही करा है। केजरीवाल, लेकिन अभी तो कांग्रेस और भाजपा ही है, क्योंकि सीटों का बंटवारा जो है जो हुआ है इंडिया गठबंधन में वो कांग्रेस के खाते में है, इधर का सीट तो कांग्रेस है। जो काम जो केजरीवाल नहीं कह रहा ना शायद कोई नहीं कर सकता। केजरीवाल इंडिया गठबंधन में है ना कांग्रेस के साथ? हाँ जी। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का इधर होगा? इस टाइम कुछ नहीं हो सकता। वो जो जो केजरीवाल ने काम सही करा, गरीबों के लिए सब चीज करा, हाँ। पानी की बिजली की सुविधा करी है, वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन मोदी जी तो उन्हें चोर बता रहे हैं और जेल में है केजरीवाल अभी। अब वो तो जनता के साथ है, जनता के लिए सही है, ठीक है, जनता के लिए केजरीवाल ठीक है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि वो चोर है, तो मोदी जी के लिए आप क्या करेंगे? वैसा चोर नहीं है, जो जो गरीबों के लिए साथ है हम उसके साथ है। आप केजरीवाल के साथ? हाँ जी। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मुझे जो सुनो, जो बड़ी बड़ी आसामी है वो वोट सकता, गरीब आदमी कहाँ से दे सकता है वोट? अनाज तो दे ही रहे हैं। अनाज दे रहे हो ठीक है, सबके साथ है वो तो। कह रहे हैं सस्ता हो गया सब कुछ, सिलेंडर वगैरह सब सस्ता हो गया। वो तो जिसको, वो तो पब्लिक के साथ है ना, जो जिसको वोट देगा उसी को साथ देगा ना। हाँ जी। तमाम लोग हैं इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं और मंगोलपुरी में है, जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ लोग कह रहे हैं। सर क्या कहेंगे, अब की बार किसकी सरकार बनेगी? मोदी का। मोदी जी की? हाँ। राहुल गांधी का नहीं, मोदी का। मोदी 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 जी क्यों, आखिर उन्होंने क्या काम किया है, क्यों आप लोग किया है जब तो आ रहे हैं? क्या काम किया है कुछ बताइए दो चार। देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। देश के लिए जैसे क्या काम किया है, दो चार बताइए। अरे बहुत बढ़िया काम किया, जो अच्छा किया सब बढ़िया किया वो। राहुल गांधी कह रहे हैं जातीय जनगणना कराएंगे, महिलाओं को पैसे देंगे, रोजगार देंगे युवाओं के लिए, सब कुछ कह रहे हैं। तो वो देंगे तो उनको कहने का ऐसी बात है, कुछ देते कुछ नहीं है। देते कुछ नहीं, कुछ कहने वाली बात है सब ऐसी। अच्छा, इतनी नाराजगी क्यों है कांग्रेस से? नाराज क्यों हो गए, हमारे सब पार्टी सही है, लेकिन तो जिसका दिल जहाँ हो। मोदी जी से इतना प्यार क्यों है फिर, यही बता दीजिए। मोदी जी अच्छे काम कर रहे, ये भी तो जनता उनको प्यार कर रही है। हाँ। क्या काम किए हैं अच्छे, वही तो पूछ रही हूं। बहुत कुछ किए हैं, देख नहीं रहे, दो चार गिनवाइए ना। बहुत कुछ किए हैं। हाँ। पहले देखिए 70 साल का तो अब राम मंदिर बनवा दिए बनारस वाली। हाँ। और क्या काम किया कांग्रेस? राम मंदिर के अलावा स्कूल अस्पताल नहीं बनवाए मोदी जी। स्कूल अस्पताल क्यों नहीं बनवाए बताइए, बीमार होंगे तो कहाँ जाएंगे? अस्पताल में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, तो अस्पताल नहीं बनवाते। हाँ चलो, ऐसा आरोप लग रहा है कि स्कूल और अस्पताल नहीं बनवाते हैं। सब कुछ बनवाए, क्यों नहीं बनवाएंगे? कहाँ बनवाया है, दरभंगा में एम्स की बातें कर रहे थे और नहीं बनवा, क्या कहेंगे? दरभंगा में नहीं बनवाए तो बनवाएंगे, इधर दिखाओ उनके बताएंगे वो। तो यहाँ पर सर क्या लगता है अब की बार किसके सरकार? मोदी सरकार आएगी? क्यों नहीं आएगी मोदी सरकार? नहीं आएगी मोदी सरकार। क्यों नहीं आएगी जरा बताइए तो। बहुत परेशानी कर दी उसने। क्या परेशानी की है? महंगाई कर दी। दो मिनट रुकिए, क्या परेशानी? परेशानी कर दी, नोटबंदी कर दी, कोरोना लगा दिया है, बाद भी मर गए, और महंगाई इतनी होगी दुकानदारी नारी कहते भी। यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। अम्मा सुनिए ना, कह रहे हैं महंगाई नहीं है। अरे महंगाई भैया, बहुत महंगाई है बेटा, हमसे क्या पूछो, बहुत महंगाई है। कितनी? अच्छा कैसे, क्या कैसे गुजारा चल रहा है जरा बताइए, कैसे गुजारा चल रहा है? किराए के मकान में रह रहे हैं, 4,000 रुपये किराए के मकान के देते हैं, छोटी सी पटरी लगाते हैं, दुकानदारी ना है, हैं तो कहाँ से देंगे, हैं रोटी भी खानी मुश्किल हो रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि जनता खुशहाल है। हाँ खुशहाल है, बिहार में खुशहाल है। तो ये अम्मा है और जल्दी में है, चली गई, बता रही हैं कि किस तरीके से कोरोना में इनके हस्बैंड चले गए और उसके बाद जो है क्या बदहाली जो है वो बता रही हैं। और भी लोग यहाँ पर हैं, जानने की कोशिश करेंगे सरकार क्यों चाहिए। अरे आप देख रहे हो 70 साल हो गए कांग्रेस को, मंदिर नहीं बना, उनके राज में मंदिर बन गया, 370 हट गई है, और इतने हमारे आदमी मारे गए, तो उनसे इन्होंने रात एक्शन लिया है, तो सरकार ये सवाल जो है विपक्ष उठा रहा है कि अस्पताल स्कूल नहीं बनवाते, मंदिर बनवाने से क्या होगा? इन्होंने कितने बनवाए थे? अपोजिशन जो है कितने बनवाए थे अब तक, क्या किया इन्होंने? कहते हैं कि जितने यूनिवर्सिटी और स्कूल जो है जहाँ से मोदी जी ने चाहे तमाम लोगों ने पढ़ा है, वो नेहरू और इंदिरा जी के बनवाए हुए हैं। कुछ भी कहते जाओ अब वो, लेकिन जो मोदी जी ने कर दिया, आज
कोई कर नहीं सकता। क्या कुछ कर दिया है मोदी जी ने, जरा बताइए तो। 370 हट गई, खेल है कि अब तक क्यों नहीं हटी थी, अब तक क्यों नहीं हटी थी, राम मंदिर अब तक क्यों नहीं बना था, बनाना। रोजगार, युवाओं की अगर बात करें रोजगार के लिए क्या, रोजगार में भी बहुत काम हुआ, रोजगार में भी युवाओं पर तो लाठी काम करेंगे तो सब कुछ रोजगार है। बस मैं इतना ही कहूँगा, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी आएंगे बस। क्षेत्र में काम हुआ है? हुआ है, सब कुछ हुआ है। दिल्ली में सुरक्षा कितनी है? सुरक्षा तो पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, जब तक गवर्नमेंट डायरेक्ट एक्शन नहीं लेगी कुछ भी नहीं होगा। कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? डायरेक्ट मैं सभी गवर्नमेंट की कर रहा हूँ। कांग्रेस के राज में भी कुछ नहीं हुआ था, ये अब ये है, आप देख लो, आप किसकी कमी है। दिल्ली की जनता कह रही है कि केजरीवाल ने बड़ा काम किया है हमारे लिए, गरीबों के लिए, उन्हीं को जेल में डाल दिया गया। सड़कें जाकर देखो कितनी गंदी हो रही है। लेकिन आम पब्लिक जो है वो कह रही है कि हमारे लिए काम हुआ है, आम पब्लिक, केजरीवाल ने किया है। आम पब्लिक तो कह रही है कि ठीक है, केजरीवाल ने भी काम किया है, भाजपा ने भी काम किया है, लेकिन केजरीवाल जी से ये पूछो कि सड़कों की क्या हालत हो रही है। सड़कें तो जगह जगह खराब पड़ी हुई है, जो हमारे जैसे बुजुर्ग आदमी है स्कूटी लेके चलते हैं साले खड्डे में गिर जाते हैं। कौन जिम्मेवार है उसका? लेकिन इसकी तो ढिंडोरा मोदी जी पीट रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सही कर दिया। तो पीटते रहो अब जो भी है ढिंडोरा। दिल्ली में क्यों नहीं कर पाते है? दिल्ली में क्यों नहीं कर पाते? दिल्ली में अब करेंगे जब उनकी सत्ता आएगी, जब करेंगे। और महंगाई है, ऑल द वर्क डिपेंड ऑन पॉपुलेशन, जो जो आबादी बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगी, सबको चाहिए काम, सबको चाहिए काम, करके कोई खुश नहीं है। दिल्ली में कई सांसद है पहले से भाजपा के, काम हुआ है उस हिसाब से? हाँ, भाजपा का बहुत अच्छा काम हुआ है, सड़कें देखो पहले। अभी आप सड़कों की बुराई कर रहे थे। कौन? अभी आप कह रहे थे कि हम गड्ढे में गिर जाते, अभी बोल रहे हैं सड़कें अच्छी हैं। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, हाईवे जो बने हुए हैं, नितिन कैटगरी जी, क्या नाम उनका, नितिन ने, हाँ उन्होंने जो कितना हाईवे बनवा दिए और कितने सड़कें बनवा दी। जनता कंप्लेन कर रही है कि टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, कहाँ से लाएं इतना पैसा? अब ये तो जनता जाने और गवर्नमेंट जाने, अपने आप इनका पर्सनल मैटर। लोग कहाँ से लाएंगे टैक्स इतना है? गरीब लोग कहाँ से लाएंगे, जिनके पास खाने को पैसा नहीं है वो टैक्स कहाँ से भरेंगे? महंगाई नहीं है, काम करेंगे तो सब कुछ है, जब काम ही नहीं करेंगे हराम का कौन दे देगा? तो काम भी तो नहीं है, काम ये बाजार क्यों लग रहे हैं? रोजगार नहीं है, रोजगार बहुत है करने वाले के लिए, नहीं करने वाले तो कुछ भी नहीं है, घर बैठ जाओ। चल तो करने वाले के लिए कुछ भी नहीं है, क्या बोले? रोजगार नहीं है, कह रहे हैं युवा जो है लाठी। रोजगार है कहाँ, सारे भूखे और क्या, भूखे मर रहे कहाँ है, करते हुए वो भी नहीं मिलता और क्या। सही बात, महंगाई कैसी है ये बताइए? महंगाई तो बहुत है, क्या पता आप लोग कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं, और मार लेता है। को समस्या हो रही है महंगाई से? क्यों नहीं हो रही? मोदी जी कह रहे हैं महंगाई नहीं है। मोदी का तो मिल रहा है, मोदी साइड से है क्या? केजरीवाल की साइड से है क्या? नहीं, आप बताइए ना, आप किसकी साइड है, महंगाई है कि नहीं, आपको परेशानी हो रही है कि नहीं? महंगाई तो सब सारी चीज की हो रही है, महंगाई सब में, महंगाई बहुत है, बहुत महंगा। कैसे चल रहा है घर का? हैं? कैसे चल रहा है? चला रहे हैं, रूखी सूखी खा के क्या करें, रूखी सूखी खाना पड़ क्या, चटनी से खाना। दाल वाल का क्या भाव चल रहा है आपको नहीं पता? आपको दाल रोजाना आप आता है कि नहीं थाली में? दाल है और क्या, दाल बहुत महंगा, ये तेल भी महंगा है, सब कुछ महंगा, सिलेंडर भी महंगा हो गया है। मोदी जी कह रहे हैं महंगाई नहीं है, मोदी को क्या पता, मोदी जी को नहीं पता। हमें जो पब्लिक को पता ना, किसकी सरकार आएगी आपकी बार? केजरीवाल को तो चोर बता रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी आएगा इस बार, राहुल गांधी आएगा। मोदी जी चोर कह रहे हैं दोनों को। अरे कह रहे हो, थोड़ा सा बात कीजिए ना, बताइए ना, वो तो चोर कह रहे हैं, वो तो मोदी जी तो चोर कह रहे हैं दोनों को, राहुल गांधी को भी और केजरीवाल को भी, क्या कहेंगे? बहुत नहीं है, सब एक जैसे जो आ जाएंगे वो जो वो अपने सोचता है, पब्लिक के नहीं सोचता, पहले तो आएंगे हाथ जोड़ेंगे के बाद नहीं नजर आते, उसके बाद दिखाई नहीं देते। कहते हैं मोदी जी की दिल्ली को लूट लिया केजरीवाल ने, जनता की जेब खाली कर दी। खाली हो गई जनता की, सबकी खाली हो गई। किसने की, केजरीवाल की, मोदी जी ने? अब पता नहीं कौन सरकार करा है। चलिए तो ये जनता है और मंगोलपुरी में है और इन लोगों से बात करने की कोशिश की। महंगाई, महिलाओं को पता है कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है,
थाली में दाल रोजाना नहीं आ पाता है और महंगाई है। तमाम लोग जो है ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि महंगाई नहीं है, और महंगाई उन्हीं के लिए नहीं है जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं। आम जनता भूख से मर रही है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए।